मारूफ टीवी एंकर और मेज़बान आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया तानिया मलिक ने मरहूम की साबका अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल के खिलाफ बयान देने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर तानिया मलिक का ऑफिशियल अकाउंट मौजूद था, जिस पर उन्होंने बुशरा इकबाल के खिलाफ बयान जारी किए थे। तानिया मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में जारी किए गए बयान में कहा था कि बुशरा बीबी मीडिया के सामने जो बोल रही हैं कि मुझे तलाक हो गई है तो ये सब झूठ है। 5 जून को खुद आमिर लियाकत ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि आप आमिर लियाकत से तलाक ले चुकी हैं, लिहाजा आपको कोई हक नहीं कि आप उनके मामलात में बोलें, आपके लिए वो नामहरम हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुए, जिसके बाद तानिया मलिक ने इंस्टाग्राम से अपना ऑफिशियल अकाउंट ही डिलीट कर दिया। वाज़ा रहे कि आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा इकबाल और तीसरी अहलिया तानिया मलिक के दरमियान कानूनी जंग जारी है। तानिया मलिक ने पहले ऐलान किया था कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी में उनसे सुलह हो गई थी, जबकि बुशरा इकबाल ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि आमिर लियाकत और तानिया की तलाक हो गई थी।